अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव फेस वाइटनिंग पैक, जो कि बहुत ही आसानी से आप घर पर इसको बना सकते हैं और लगा सकते हैं, जिसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है और उन सारी केमिकल वाली चीज़ें जो होती हैं उनसे कहीं ज़्यादा अच्छा है, और बहुत ही सस्ता आप घर पर ही फेस पैक तैयार करके अपना कलर अच्छा कर सकते हैं किसी क्रीम के बगैर। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है, सिर्फ हमें इसके लिए तीन चीज़ें चाहिए और ये तीनों चीज़ें आपके किचन में इजीली मौजूद होती हैं। इसको तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए कच्चा दूध। दूध आपने कच्चा लेना है, कच्चे दूध का रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू जो हम बॉयल मिल्क है वो यूज़ करते हैं। उसके अलावा आपको चाहिए राइस फ्लोर यानी कि चावल का आटा। सबसे पहले आपने 1 टेबल स्पून राइस फ्लोर में ऐड करना है 2 टेबल स्पून दूध, या फिर इतना दूध ऐड कर दें कि आपके पास बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट रेडी हो जाए। ये फेस पैक जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ ये ईद के लिए बहुत अच्छा है। इसको लगाना शुरू कर दें, ईद तक आपको जो है वो काफ़ी बेहतरीन से रिजल्ट मिल जाएंगे, आपका कलर काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें ऐड करने लगे हैं एलोवेरा जेल। कोई सा भी एलोवेरा जेल आपके पास अवेलेबल है तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नेचुरल है तो वो यूज़ कर लें, अगर ये वाला है जो मार्केट से लेते हैं तो ये वाला भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून आपने इसमें एलोवेरा जेल ऐड करना है। एलोवेरा जेल आपके फेस को क्लीन करेगा, आपके फेस पर ग्लो लाएगा, इसके साथ साथ जो राइस फ्लोर है इस पर वो आपके ब्लैक हेयर्स वाइट हेयर्स को ख़त्म करेगा, इसके साथ साथ स्क्रबिंग का बहुत अच्छा काम करेगा और आपके फेस पर जो डेड सेल्स होते हैं उनको रिमूव करेगा। सन टैन रिमूव करने के लिए बहुत अच्छा है, फेस पर एक्नी पिंपल्स के निशान हैं उनको ख़त्म करने के लिए ये बहुत अच्छा है। इसको आपने 15 मिनट के लिए फेस पर लगाना है, 15 मिनट के बाद इसको हल्के हाथों से रब करते हुए उतार दें। उतारने के बाद ऊपर से फेस वॉश कर लें, वॉश करने के बाद एंड पे दोबारा आपने थोड़ी सी एलोवेरा जेल लेकर पूरे फेस पर अप्लाई कर देनी है। इसको हफ्ते में 2 दफ़ा ज़रूर करें, ईद तक इसको डेली करें। ईद तक आपको इसको हफ्ते में 2 दफ़ा करें, यानी कि ईद तक आपको इंशाल्लाह इससे काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएंगे। यानी आप एक दफ़ा अप्लाई करेंगे आपको थोड़ा रिजल्ट मिलेगा, उसके बाद फिर करेंगे फिर उससे ज़्यादा मिलेगा। इस तरह से अगर आप इसको कंटिन्यूसली अप्लाई करते हैं, यूज़ करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको घर पर ही इन आसानी से अपना कलर जो है वो फेयर कर सकते हैं, स्किन को जो है वो सॉफ्ट बना सकते हैं, ग्लोइंग बना सकते हैं, ब्राइटर बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी। इसके साथ साथ इसको ज़रूर शेयर करें अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।